सोलन में भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप ने की। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम में नियुक्त किए गए 5 मनोनीत पार्षदों का स्वागत भी किया। मनोनीत पार्षद नियुक्त करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि मनोनीत पार्षद नगर निगम में आने से भाजपा में नए रक्त का संचार होगा और नई ऊर्जा मिलेगी। मनोनीत पार्षद सोलन के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि सोलन नगर निगम में संजीव मोहन, शकुंतला शर्मा, दिनेश कुमार, सनीदा चोपड़ा, प्रियंका अग्रवाल को उन वार्डम से तैनात किया गया है जहां से भाजपा पार्षद जीत नहीं सके थे। अब ये पार्षद उनकी कमी को पूरा करेंगे। भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन मंत्री पवन राणा और शीर्ष नेताओं का वे आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उनके द्वारा सोलन नगर निगम को 5 मनोनीत पार्षदों का तोहफा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम सोलन में विकास की कोई कमी नहीं रहे और विकास के रास्ते में धन की कमी ना आए, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा करीब 9 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सोलन की ओर से माननीय ठाकुर जयराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सोलन नगर के लिए 5 जो है नॉमिनेटेड पार्षद अभी 2 दिन पहले जो है नॉमिनेट हुए हैं। मैं साथ ही साथ अपने प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी और हमारे संगठन मंत्री पवन राणा जी, उनका भी धन्यवाद करता हूं और सभी शीर्ष नेतृत्व का कि सोलन के लिए जो एक विशेष ध्यान दिया गया है उसके लिए धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है श्री सुरेश भारद्वाज जी, उनका भी जो है धन्यवाद करता हूं और अपने डॉक्टर राजीव सैजल जी का। और इसी विषय में मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है सोलन नगर निगम के लिए और सोलन वासियों के लिए विशेष ध्यान रख रही है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है 8 करोड़ 85 लाख रुपए जो है सोलन नगर निगम के लिए दिया गया है। उससे पहले 2 करोड़ 86 लाख रुपया जो है वो नगर निगम के लिए आया था। तो इस तरह से जो है वो किसी भी तरह की जो राशि है सरकार की तरफ से जो आनी है वो लगातार जो है उसका फ्लो बना हुआ है और सोलन की जनता का जो है सोलन का विकास किस तरह से हो उसमें माननीय ठाकुर जयराम जी जो है विशेष ध्यान दे रहे हैं, विशेष ध्यान रख रहे हैं।